नमस्कार, मैं हरिओम सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं खबर 24 न्यूज में। शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। भवानी मंडी नगर पालिका क्षेत्र के पचपाड़ में पेयजल व्यवस्था चरमरा रही है और चार दिनों से बदबूदार गंदा पानी आ रहा है। खबर 24 न्यूज लगातार पेयजल को लेकर खबरों के माध्यम से आमजन को अवगत करा रहा है। ऐसे में पचपाड़ क्षेत्र के वार्डवासियों ने गंदा पानी आने का वीडियो खबर 24 को भेजा। लगातार तीन चार दिन से बदबूदार पानी भवानी मंडी शहर पचपाड़ कस्बे में जनता पी रही है। झालावाड़ जिले की डग पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को किया गिरफ्तार। आठ दिन पहले नाबालिग का हुआ था अपहरण। थाना अधिकारी बन्नालाल चौधरी ने बताया कि 20 जून को थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग भांजी के अपहरण की आशंका की रिपोर्ट डग थाने क्षेत्र में दर्ज कराई और गाँव के ही एक अलकार सिंह के गायब होने से नाबालिग को ले जाने की आशंका जताई, जिस पर पुलिस ने तलाश शुरू की और दो दिन पूर्व नाबालिग को भरतपुर के नगर कस्बे से दस्तयाब किया था और आज मुखबिर की सूचना पर आरोपी को एलकार सिंह को दतुरिया फंटे से गिरफ्तार किया। थाना क्षेत्र का एक युवक आया और उसने रिपोर्ट कराई कि मेरी भांजी कल रात्रि को बिना बताए चली गई है। इस पर हमने मुकदमा दर्ज कर बगवैया की तलाश की तो दिनांक 24/6/2021 को हमने बगवैया को नगर जिला भरतपुर से दस्तयाब किया और अनुसंधान से पाया कि इस लड़की नाबालिग लड़की को उसी के गाँव का एलकार सिंह पिता दुल्हे सिंह जाति सौंदे राज बनाकर लेके गया था और उसके बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिस पर आज मुलजिम एलकार सिंह को भी यहाँ दतुरिया फंडे से गिरफ्तार कर लिया गया है। और उससे पिड़ावा नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पिड़ावा क्षेत्र के धरोनिया गांव में बन रहे पशु चिकित्सालय का निर्माण कार्य 13 माह से अधूरा पड़ा हुआ है। करीब 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पशु चिकित्सालय का निर्माण कार्य 27 मई 2020 को पूर्ण होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण ठेकेदार को 6 माह का अतिरिक्त समय दिया गया था। यह सीमा भी 27 नवंबर 2020 की पूरी हो गई थी, लेकिन अब तक पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे पशुपालकों को अपने बीमार पशुओं को पीकर इधर उधर भटकना पड़ रहा है तथा निजी पशु चिकित्सक को बुलाकर मोटी रकम देकर इलाज करवाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं व अन्य ग्रामीणों ने शीघ्र वही पशु चिकित्सालय भवन निर्माण करवाकर क्षेत्र के पशुपालकों को राहत पहुंचाने की मांग की। ज्ञापन देने वाले में धरोनिया वार्ड नंबर 5 पार्षद लक्ष्मीबाई शर्मा, कांग्रेस आईटी सेल ब्लॉक अध्यक्ष कृपाल सिंह, अशोक शर्मा, दिलराज सिंह, अजय राठौड़ आदि शामिल रहे। गांव में 13 महीने से पशु चिकित्सालय का कार्य बंद पड़ा है, जिससे सभी पशुपालकों को परेशानी हो रही है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि इसका कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण करवाए ताकि सभी पशु। पिड़ावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरनावदा गजा के सेमरी चौहान गाँव में अस्पताल की बाउंड्री को सरपंच प्रतिनिधि नारायण सिंह सिसोदिया ने भूमि पूजन का कार्य की शुरुआत की। सेमली चौहान निवासी बहादुर सिंह चौहान ने गत दिनों सरपंच प्रतिनिधि नारायण सिंह सिसोदिया को अवगत कराया था कि अस्पताल के सामने आसपास के लोगों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है, जिसे हटवाकर ग्राम पंचायत बाउंड्री बनवाने की मांग की थी, जिस पर पंचायत ने जेसीबी से अतिक्रमण हटवाकर चार दीवारी निर्माण कार्य की शुरुआत की। इस दौरान बहादुर सिंह चौहान, मान सिंह, मांगीलाल, भगवान सिंह, उदय सिंह, तूफान सिंह आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। पिड़ावा नगर निवासी मयंक जैन ने गत दिनों अपने तहसीलदार पद को छोड़ दिया था। उन्होंने आज क्षेत्र की रमाय दलपत ग्राम पंचायत के ढंडेरा गांव में पुनः अध्यापक के पद पर पदभार ग्रहण कर लिया है। जैन के पदभार ग्रहण करने पर सरपंच प्रतिनिधि मेहरबान सिंह, जसवंत सिंह, महावीर शर्मा, बने सिंह ने आदि ने साफा बांधकर स्वागत किया। डक तहसील पर किसानों द्वारा मुआवजा राशि न मिलने पर तहसीलदार को दिया ज्ञापन। उदयपुर सर्किल के ग्राम पंचायत के भड़का, भवानीपुरा, कल्याणपुरा, उदयपुर सभी ग्रामवासियों ने आज तहसील पहुंचकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि भड़का गाँव पंचायत में करीब 5 गांव लगते हैं, जो कि पटवारी नहीं होने की वजह से किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जिसका निदान हेतु तहसीलदार से निवेदन किया कि 5 दिन के अंदर स्थायी पटवारी की व्यवस्था करें, अन्यथा सभी ग्रामवासी धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। अवर पगारिया थाना क्षेत्र के गागरिन का खेड़ा के शंभूलाल प्रजापत ने 3 लाख रुपये दोगुने करने के चक्कर में शाकिर पुत्र सैयद खान जाति मुसलमान आयु 45 वर्ष निवासी महितपुर जिला उज्जैन को 3 लाख रुपये दिए थे, जब से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। थाना अधिकारी रामप्रसाद सहरिया ने बताया कि आरोपी 16 माह से गिरफ्तारी के चक्कर में फरार चल रहा था। फरवरी 2020 में शंभूलाल प्रजापत पगारिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि साकिर खान मेरे से 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गया है, जब से ही गिरफ्तारी के चक्कर में फरार चल रहा था। इसे पुलिस ने रविवार को एक टीम बनाकर इसके गाँव महितपुर से गिरफ्तार कर ले आए। इससे पूछताछ की जा रही है। इसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।
कनवास एसडीएम राजेश डागा की ग्राम पंचायत खजुराना में बड़ी कार्रवाई। 314 बीघा चारागार भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। कोरोना काल के पहले कनवास एसडीएम राजेश डागा का अतिक्रमण हटाओ अभियान जोरों पर था, परंतु कोरोना वायरस के मद्देनजर कनवास प्रशासन का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आम जनता लोगों की सेवा और स्वास्थ्य पर था। इस हेतु अतिक्रमण हटाओ अभियान पर विराम लग गया था, परंतु इस अभियान की बड़ी कार्रवाई की शुरुआत फिर से एसडीएम राजेश डागा द्वारा कर दी गई है। इसी के चलते आज कनवास तहसील की ग्राम पंचायत खजुरुना के गांव लाडपुरा में 314 चारागाह भूमि के अतिक्रमण हटाया गया। ये मौके पर उनके साथ कनवास नायब तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा, कनवास थाना अधिकारी विष्णु सिंह कानूनगो बेरूलाल, पटवारी थरादा किशन और ग्राम विकास अधिकारी सता सरपंच खजुरुना रामदयाल गुजर भी मौजूद थे। एसडीएम राजेश डागा ने बताया कि ग्रामवासियों द्वारा चारागाह भूमि पर लगभग 25 वर्ष से अतिक्रमण कर कृषि कार्य किया जा रहा था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ राजस्व भू अधिनियम 1958 की धारा 91 के बेदखली की कार्रवाई तहसीलदार द्वारा की जा सकती है। अगर फिर भी अतिक्रमी नहीं मानता है तो 3 माह की कारावास सजा भी का भी प्रावधान नियमों में उल्लेख है। पाड़े बनाकर के अतिक्रमण किया हुआ था जिसको कि आज हटाने की कार्रवाई की गई है और लगभग 314 बीघा चारागाह भूमि लाडपुरा में है जिसपे अतिक्रमण था, उसको आज 2 JCB की मदद से हटाया गया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान सरपंच रामदयाल जी, नायब तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा, SHO विष्णु सिंह जी और पुलिस जाब्ता पटवारी आईलार साथ उपस्थित रहे और सबके सहयोग से बिना किसी विरोध के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई संपन्न की गई है और लगातार चारागाह अतिक्रमण मुक्त ग्राम अभियान के तहत। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक लिए देखते रहे खबर 24 न्यूज़। नमस्कार। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक और जानलेवा थी क्योंकि वायरस ने अपना मूल रूप बदल लिया व एक नया डेल्टा वेरिएंट आ गया। शासन प्रशासन के स्तर पर कुशल प्रबंधन से कोरोना की रफ्तार में कमी तो आ गई है, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है और विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार बच्चों को भी खतरा हो सकता है। इसे देखते हुए राजस्थान में 21 जून से टीकाकरण का दूसरा चरण चल रहा है। जन प्रतिनिधियों, नर्सिंग स्टाफ, जिला प्रशासन और आप सबके सहयोग से वैक्सीनेशन में अग्रणी राज्य है राजस्थान। सूचना मिलने पर एवं अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं, साथ ही दूसरे लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। जब तक वैक्सीन नहीं लगती तब तक सतर्कता बनाए रखें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें तो टीका लगवाना भूलिएगा मत, ताकि आप, आपका परिवार, बच्चे और उनका भविष्य सुरक्षित रहे एवं जनजीवन पहले की तरह सामान्य हो सके। फ्री फ्री प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फिर से शुरू हो गई है। जिस परिवार के गैस कनेक्शन नहीं है वह तुरंत संपर्क करें। फ्री गैस कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज राशन कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, महिला के 3 फोटो, महिला के बैंक खाते की पासबुक। ऋषभ गैस सर्विस, भवानी मंडी। मोबाइल नंबर है 7568060310, 8058766999, 8003950705। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फिर से शुरू हो गई है। जिन परिवार के पास अभी तक गैस कनेक्शन नहीं है वह तुरंत ऋषभ गैस सर्विस पर संपर्क करें। गैस कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज है राशन कार्ड की फोटोकॉपी, राशन कार्ड में जितने भी सदस्य थे उन सभी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, महिला की बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी, महिला के पासपोर्ट साइज के 3 फोटो, मोबाइल नंबर। सारे आवश्यक दस्तावेज लेकर ऋषभ गैस एजेंसी पर संपर्क करें। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। के माता दाऊ एक लीरा बन ग्यारह रे बन।
जा रे बन जा रे।